कंप्यूटर में मुख्य भाग होते हैं, क्या होते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ओके, कंप्यूटर में जब भी कोई काम कराएंगे, फर्स्ट काम क्या होता है? इनपुट का। जो भी हम कंप्यूटर में जब भी कोई कमांड देते हैं वो क्या होता है? इनपुट का होता है। ओके, उसके बाद जब सेकेंड काम होता है प्रोसेसिंग का। कंप्यूटर में जो भी आप कमांड दे दिए, इनपुट करा दिए, वो प्रोसेसिंग करके कहाँ पहुंचाता है? आउटपुट में। आउटपुट में क्या होता है? मॉनिटर। ठीक है, जो मुख्य रूप से जो कंप्यूटर के लिए उपयोगी होता है वो क्या होता है? इनपुट में माउस और कीबोर्ड। ओके, और जो प्रोसेसिंग जो गणना करता है, जैसे हमने कुछ पूछे आपसे, आपने दिमाग से सोच के जवाब देते हैं ना, वो कार्य किसका होता है? सीपीयू का। ठीक है, जो कि प्रोसेसिंग करता है। अब आउटपुट में आता है मॉनिटर, जिसपे हमें अपना रिजल्ट प्राप्त होता है या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ओके, और उसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर भी है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी डाटा हमने तैयार किया, जो भी एप्लीकेशन तैयार कर लिए हैं, उससे यदि हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, हम किसके माध्यम से निकालेंगे? प्रिंट आउट के माध्यम से निकालेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। अब देखिए, जो होता है आपका मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, अब वैसे आप भी कुछ लोग जैसे कि चार प्रकार से कह सकते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इस हिसाब से जैसे। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यही है। सब में इसमें आ गया, आ गया नहीं आ गया? ठीक है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये देखिए, ये भी बोला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बोला जाए तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउट, ये तीनों से मिलके कंप्यूटर चलाया जाता है। ओके, इसमें से कोई एक पार्ट रहेगा, कोई एक पार्ट नहीं रहेगा तो आप नहीं यूज कर पाएंगे। जैसे कि आपके आपके पास ये दोनों है, प्रोसेसिंग और आउटपुट है, इनपुट का आपके पास कोई भी यंत्र नहीं है, तो आप उसमें कंप्यूटर में कोई कमांड नहीं दे पाएंगे। दे पाएंगे? नहीं दे पाओगे ना। उसी प्रकार से आपके पास यदि कीबोर्ड इनपुट है और आउटपुट है, प्रोसेसिंग नहीं है, तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, नहीं चलेगा, तब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपके पास इनपुट और प्रोसेसिंग है, आउटपुट नहीं है, यदि हम कंप्यूटर पे कमांड दे रहे हैं, यदि कमांड को काम कर भी रहा है, हमको पता कैसे चलेगा वो क्या काम कर रहा है? क्योंकि हमको तीनों बहुत जरूरी होता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं, हम स्क्रीन पर आपको करके बताते हैं।